बहुत बहुत शुक्रिया हीट वेव, तुम हमारे फ्लोटिंग लैब से कहीं ज्यादा तेज चलते हो और अच्छे भी हो। एक दिन आग से दूर रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है और वैसे भी मुझे समंदर बहुत पसंद है। सी मॉन्स्टर या कोई धब्बा? सॉरी। डॉक ईस्ट की तरफ 3 मील और यहाँ पर जाना है। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म नंबर 6। जब वहाँ से तेल निकलता था तब उसे ओल्ड फेथफुल कहा जाता था। बाद में उडानी के मीटलोफ से भी ज्यादा सूख गया। तो इतने सालों बाद उसे फिर से क्यों शुरू करना है? नहीं मालिक, उन्हें लगता है कि वो वहाँ से और तेल निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिग किसी भी तरह की ड्रिलिंग के लिए काफी कमजोर हो चुका है। मेयर चाहते हैं कि हम इसी के बारे में पता करें। शहर में कोई भी नया ड्रिलिंग परमिट नहीं दिया जा सकता जब तक हमें तसल्ली ना। थोड़ी हलचल हो रही है दोस्तों, संभल कर। आगे वर्ल पुल है। मुड़ो हीट वेव, जल्दी। ये क्या हो रहा है? मैं मुड़ नहीं पा रहा। बहुत तेज है। डैड, कोई है? कोई फायदा नहीं है, मीलों तक यहाँ कोई नहीं है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, 40 सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से घरों की रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। आखिर वो है क्या? हीटवेव, ये अच्छा बॉट है या बुरा वाला बॉट है? उस पर लगे साइन को देखकर वो एक ऑटोबॉट लगता है, लेकिन मैंने इतना बड़ा ऑटोबॉट कभी नहीं देखा। ओह, लगता है इसका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। शुक्र है। Hey, बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं संभाल लूंगा, मुझे छोड़ दो। hey, सुना तुमने? तुम हमें उतारने वाले हो या नहीं? ये बॉट काफी हिम्मत वाला है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाई टाइड मेरे दोस्त, पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है। ओपी मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? ऑप्टिमस, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ जो मैं आ गया, मैं तो समंदर में सैर कर रहा था जब मैंने इन्हें खतरे में देखा। ये रोबोट भंवर में फंसा हुआ था। रुकिए, आप इसे जानते हैं? ये है हाई टाइड, मेरा बहुत पुराना साथी, और ये एक बेहतरीन सीमैन भी है। हाई टाइड, रेस्क्यू बॉट हीट वेव से मिलो। और ये हैं वो इंसान जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, डॉक्टर ग्रीन, फ्रैंकी, ग्राहम और कोडी बर्न्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अच्छा तो तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, कोई खास बात है? बस हमें वो हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आओ, मैं तुम्हें बाकी की टीम से मिलवाना चाहता हूँ। रोबोट हाई टाइड मेरे कहने पर यहाँ आया है टीम को समुद्र की चुनौतियों के लिए तैयार करने। क्या ये उस वक्त की बात है जब मैं डूब रहा था हीट वेव? नहीं ब्लेड्स, ये कुछ एडवांस ट्रेनिंग और समुद्री रेस्क्यू टेक्निक सीखने के लिए है। हमने कई वाटर रेस्क्यूज किए हैं। मैं जानता हूँ, पर अगर वो पुरानी ऑयल रिग फिर से शुरू हो गई तो हमें नई तकनीक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ऑप्टिमस से मदद मांगी। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। अगर मेरा अंदाजा सही साबित हुआ तो किसी भी तरह की ड्रिलिंग से एक इकोलॉजिकल कैलामिटी होने की संभावना है। इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट को लाया हूँ। ट्रेनिंग के दौरान चीफ ने तुम सबकी मदद के बिना काम चलाने के लिए हाँ कह दी है,
कुछ दिनों के लिए हम पुराने फायर ट्रक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय हाई टाइड आप सबको लीड करेंगे। इनके इंस्ट्रक्शंस को मानिए और इनसे सीखिए। ओह, शहर में एक नया बड़ा बोट आ गया है, जरा संभल कर रहना। अगर ऑप्टिमस ने कहा है कि आपसे सीखना है तो मेरे लिए इतना काफी है। हाँ, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। चलो देखते हैं। सच तो ये है कि हाई टाइड को भी टीम से बहुत कुछ सीखना है। हाँ। ओ, स्मोक अलार्म, मीट लोफ तैयार हो गया होगा। डिनर, डॉक और फ्रैंकी आप भी आ जाइए। शुक्रिया। एक आखिरी बात हाई टाइड, मैं एक ह्यूमन गाइड साथ रखने की सलाह दूंगा जो उस जगह के बारे में बता सके। फिक्र करने की जरूरत नहीं ओपी, सच कहूँ तो मुझे ये इंसान कुछ खास काम के नहीं लगते हैं। इंसान काफी काम के हो सकते हैं। कोडी तुम्हारा गाइड होगा क्योंकि उसे ऑटोबॉट्स को गाइड करने का अनुभव है। मेरे ख्याल से एक छोटे से इंसान से क्या परेशानी हो सकती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सावधान, देख के लगता है कि तुम सबके पुर्जे ढीले हैं। ऑप्टिमस मुझसे काफी मेहनत करवाने वाला है। और तुम कौन हो, एक बड़े से स्कीटर बॉट? मैं दरअसल एक हेलीकॉप्टर हूँ सर। ये असल में मेरा आइडिया नहीं था। एक दिन जब मैं धरती पर आया तब मैंने देखा कि वहाँ, अगर जरूरत हुई तो तुम्हारी लाइफ स्टोरी सुन लूंगा, समझे तुम फ्लाई बॉय? हाँ सर, मेरा मतलब नहीं सर, मेरा मतलब सावो। वो क्या बात है, ऑयल साफ करो। सर, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऑयल मरीन कोड के मुताबिक एक खतरनाक चीज है जिसे बहुत सोच समझकर और सावधानी से हटाना चाहिए। तुमने सुना सावो, इसके हिसाब से हम कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन इसने बात तो सही कही है। कानून के रखवाले, सफाई शुरू करो। मतलब मैं करूं? बिल्कुल, मैं अच्छे से करूंगा सर। ठीक है, पहला काम है तुम बेवकूफों को समंदर के लायक बनाना। सावो, इन अनाड़ियों को कुछ मरीन रेस्क्यू गियर ला कर दो। बहुत अच्छे। हे, तुम बहुत ही तेज बॉट हो और बहुत प्यारे भी हो। ये लाल वाला तो पहले ही फायर बॉट है और ये मच्छर हवा में रेस्क्यू करता है, तो तुम्हें क्या दिया जाए? ये लो, एक सर्फ बोर्ड। मैंने इसे चलाना नहीं सीखा है। तो अब सीखने का वक्त आ गया है। वैसे भी ये बोर्ड खुद ही सर्फिंग कर लेगा। सवार हो जाओ। और मेरे लिए सर? तुम जो कर रहे हो वही काफी है, बस वही करते रहो। और तुम, तुम्हारे पैर के अगले हिस्से पर थ्रॉटल लगा। या घुटनों का इस्तेमाल करो, आगे की तरफ झुको। मुझे हल्का महसूस हो रहा है। और फ्री भी। ये तो डूब गया। बोल्डर, बोल्डर, रेस्क्यू बोट्स बचाओ के लिए। वो समंदर की गहराई में चला गया है। ये तुम सब के बस की बात बिल्कुल नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ पोछा लगा ही क्यों रहा हूँ, कोई ना कोई पानी गिरा ही देता है। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तो दिख ही रहा था, पर दोबारा ऐसा मत करना। समंदर में गलती की कोई जगह नहीं है। यस सर। कोई बात नहीं बोल्डर, मैं भी सर्फ नहीं कर सकता। ओ मेरे नाजुक पॉट्स, तो क्या ड्रिल फिर से शुरू करें?
सही तरीके से करने की कोशिश करना फ्लाई बॉय। सर्वो विक्टिम मोड। ज्यादा ऊपर मत जाओ, पानी में सूरज की चमक से तुम उसे देख नहीं पाओगे। उस हुक को घुमाओ और अपनी पोजीशन को स्थिर रखो। अब हुक को नीचे गिराओ। मिस्टर हाई टाइड, अगर आप चिल्लाने की बजाय अच्छे से बोलेंगे तो ब्लेड्स बेहतर काम कर सकता है। ओह, तो मेरा काम अब तुम सिखाओगे। बच्चे, मैं हजारों सालों से बॉट्स को ट्रेन करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ट्रेन करना है। ठीक है, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, धीरे और आराम से। फुर्ती दिखाओ आलसी कीड़े। क्या कोई चांस है कि आपने वो ना देखा हो? तो टीम, पहला दिन कैसा रहा? वो मेरी गलती नहीं थी। शायद बुरा था, हा? कोई बात नहीं, तुम कल बेहतर कर सकोगे। ओ, ये कौन है? इसका नाम सर्वो है। ये एक स्नाउजर और टूल बॉक्स के बीच का कुछ है। बहुत बढ़िया, ये हाई टाइड का है। आज जो ट्रेनिंग में हादसा हुआ उसके बाद मैं इसका ख्याल रखना चाहूंगा। वो मेरी गलती नहीं थी। हमने जितना सोचा था रिक तो उससे भी बदतर हालत में है। जंग लगे बीम्स, टूटे पुर्जे, ये खुले वायर्स। इतना ही नहीं, इस कुएं का ढक्कन भी बुरी तरह सड़ चुका है। अगर हालत और बिगड़ी तो बड़ी तबाही हो सकती है डैड। मैं अपनी रिपोर्ट आज दे दूंगा। मैं सलाह दूंगा कि जब तक रिक की मरम्मत ना हो जाए और ढक्कन बदला ना जाए तब तक इससे दूर ही रहना होगा। तुमने सही कहा, मैं नए ऑर्डर दे देता हूँ और इसे ठीक करने के लिए कुछ टेस्ट कर लेता हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि ये ड्रिल ठीक से हो पाती है या नहीं। सर्वो पानी में डूबेगा। बोल्डर, तुम सर्व करके उसे बाहर निकालोगे और फिर हीट वेव को दोगे। लहरों से संभल कर रहना, वो तुम्हें खींचकर नीचे ले जाएंगी। चेज, तुम बोल्डर पर नजर रखना। ब्लेड्स, तुम ब्लेड्स, ये बेवकूफ अब कहां सैर करने चला गया है? बचाओ। घबराओ मत पायलो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कॉप्टर बॉट, बेस में वापस जाओ। रुको डरपोक बुद्धू, फौरन यहाँ वापस आओ। पर सर, एक इंसान को मदद चाहिए थी। वो तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं थे। अगर तुम मेरी कमांड में हो तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम एक बेकार मच्छर हो, एनर्जॉन की बर्बादी हो और आप अत्याचार करते हैं। ब्लेड को एक इमरजेंसी दिखी और उसने बिल्कुल वही किया जो जरूरी था, क्योंकि ब्लेड को लोगों की फिक्र है। हम लोगों की मदद करते हैं, आप समझते क्यों नहीं? तुम में काफी हिम्मत है बच्चे, और ऐसी हिम्मत से मुझे नफरत है, इसलिए मेरे मामलों से दूर ही रहो। सुना तुमने? अब तक आप ही की सुन रहे थे, अब आप मेरी बात सुनिए। कोड़ी सही है, माफ कीजिएगा कि मैंने ये पहले नहीं कहा, ब्लेड से ज्यादा वफादार और मददगार रेस्क्यू बॉट और कोई नहीं है, वो भी पूरी गैलेक्सी में। क्या तुम सच कह रहे हो? चुप करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑप्टिमस के कितने अच्छे दोस्त हैं, पर मेरी टीम से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बहुत बकवास कर चुके हो, बेकार होना अलग बात है पर बदतमीजी मुझे मंजूर नहीं है। दफा हो जाओ मेरी शिप से। तो क्या किसी और को भी कोई और तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं ऑप्टिमस को यह नहीं बताना चाहता कि तुम कितने आलसी और नकारे बॉट्स हो। मुझे मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन ये तारीफ तो बिल्कुल नहीं लगती। मुझे माफ कर दीजिए ऑप्टिमस, मैं जानता हूँ कि आप चाहते थे कि हम कुछ सीखें। हाई टाइड कभी कभी सख्ती से पेश आता है, पर मैंने किसी वजह से उसे यहाँ बुलाया है। मैं आपकी बात समझता हूँ सर, पर उन्होंने हद पार कर दी थी, इसलिए शायद मुझे उससे बाहर रहना चाहिए और दूसरों को सीखने देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि तुम वापस जाओ। मुझे नहीं पता कि तुमने एक दूसरे से कुछ सीखा है या नहीं,
पर फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मुझे इसी का डर था। ये तो सिर्फ पीनट बटर है डैड। नहीं, मेरा मतलब है ये रीडिंग्स। मैं नए ऑयल कैप को इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने में लगा हुआ हूँ, पर हालात तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। ये इलाका तो आगे किसी भी ड्रिलिंग के लिए ठीक नहीं है। एक भी गलती बहुत ही भयानक हादसा बन सकती है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। क्या? हम अभी आते हैं। कोडी हाई टाइड को कॉल करो, कहो हमें उनके और बॉट्स की जरूरत है, जल्दी। मैं देख सकती हूँ बड़ी मुश्किल से, वो जलते हुए तेल से घिरे हैं। और लगता है वो रिक तो गिरने ही वाली है। जो कहा है वो करो मच्छर। यस सर। नहीं ब्लेड्स, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, आग काफी ऊपर तक है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और तुम मेरे केबिन से बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ तुम नहीं जा सकते हो। पर वहाँ बहुत खतरा है, कहा ना बाहर निकलो। क्या? पर मैं तो मैंने लीक को बंद करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो सका। हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं सर, अब क्या? तुम्हारा ये घटिया प्लैनेट और ये धधकते समंदर, वो देखो। लो वो आ गया जिसे आग के बारे में पता है। छुट्टियाँ खत्म हुई हॉटशॉट, अब काम का वक्त है। ए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब बाहर आ जाओ कोडी, आगे खतरा है। मुझे वो चाहिए जिससे तेल साफ किया गया था, और सर मुझे वापस आने की परमिशन चाहिए। परमिशन दी चेस, तुम और सर वो जल्दी से इसके टैंक को उस केमिकल से भर दो। हमें लीक पर नया ढक्कन लगाना है, पर पहले वहां पहुंचना होगा। मैं डॉक और फ्रैंकी के लिए जा रहा हूं, अपने बोर्ड पर मेरे पीछे आइए। चेस, तुम आ रहे हो? पता नहीं मेरा पोछा लगाने का हुनर काम आएगा या नहीं, पर मैं आना चाहूंगा। रेस्क्यू बोट्स बचाओ के लिए तैयार। मैंने कहा था ना डैड। ऑयल रिग गिरने वाली है। हम मदद कर सकते हैं। ब्लेड्स, अपना हुक नीचे गिराओ, मैं तुम्हें आग से ऊपर रखूंगी। गोल्डर, तुम हमें रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे नीचे करना है और हिलना नहीं है। अपनी बाई ओर जाओ। हाँ उधर, बस यहीं पर। हाँ हो गया। वजन बढ़ता जा रहा है। बस हो गया, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। कैप तैयार है। नहीं रहा है। हाई टाइट, मेगा बॉट बनने का वक्त आ गया है। मैं भी यही सोच रहा था, तो अब तुम सेलर बन जाओ।
बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। रिग बर्बाद हो चुकी है मियां लस्की, और मुझे लगता है कि आज के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। मानना पड़ेगा ओपी, तुम्हारे बॉट्स काफी काम के हैं। यहाँ तक कि इस परिंदे ने भी सही काम किया। पता है, इन्होंने मेरे बारे में ये सबसे अच्छी बात कही है। तुमने अच्छा काम किया स्कीटर। दूसरी अच्छी बात, तुमने इन्हें काफी कुछ सिखाया है हाई टाइड, पर तुमने भी इनसे कुछ सीखा है। और तुम शुरू से यही चाहते थे, क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम सही थे। इंसानों के साथ काम करना वैसे शायद इतना भी बुरा नहीं है। तुम सब साथ मिलकर अच्छा काम करते हो, और हो सकता है तुम्हारे इस अंदाज को मैं अपने काम करने के अंदाज में ढाल लूं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर ग्रीन की फ्लोटिंग लैब आग में जल गई है, तो क्या तुम कुछ और दिन यहाँ पृथ्वी पर रुक कर उसकी जगह ले सकते हो? जब तक मेरी जरूरत कहीं और नहीं है, मैं शौक से रह सकता हूँ। फिलहाल मैं चला। सर्वो, तुम यहाँ रहकर इन पॉट्स का साथ दो, समझ गए ना दोस्त? ब्लिप, बच्चे, ये रही उसकी विसल, इसे अपने पास रखो। क्या बात है,